राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार अलग अलग धर्मों के चार धर्मगुरु व महंत भी चुनावी मैदान में है। राजनीति में संतों के दखल पर चाहे जितनी बहस, इस बार इन संतों के कारण चुनाव खासा रोमांचक हो गया है। तिजहरा से महंत बालकनाथ और जयपुर में हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य के चलते ये दोनों सीटें हॉट सीट बनी हुई है। इसके साथ ही दो धर्मगुरु महंत प्रतापपुरी व सालिम मोहम्मद पोखरण सीट पर आमने सामने हैं। सालिम मोहम्मद वर्तमान में इस सीट से विधायक व राज्य सरकार में मंत्री है। पिछले चुनाव में वे महंत प्रतापपुरी को ही हरा कर विधायक बने थे। हालांकि वोटों का अंतर मात्र 872 का था, जिसके चलते भाजपा ने इस बार भी प्रतापपुरी को मैदान में उतारा है। सालिम मोहम्मद सिंधी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु गाजी फकीर के पुत्र हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो अब पाकिस्तान में सिंधी मुसलमानों के धार्मिक प्रमुख पीर पगारों के प्रतिनिधि हैं। बात करें प्रतापपुरी की तो वे बाड़मेर इलाके में सक्रिय तारा तारा मठ के महंत है और इस क्षेत्र में उनकी काफी अनुयायी है। इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार और महंत स्वामी प्रतापपुरी कहते हैं कि गहलोत ने मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से पहले की गई घोषणाएं की। मैं पिछले 5 सालों से लोगों से जुड़ा रहा, कांग्रेस सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रही। कांग्रेस सरकार सिर्फ काम तो शुरू करती है लेकिन काम पूरा नहीं करती। वहीं कांग्रेस के मौजूदा विधायक सालिम मोहम्मद को उम्मीद है कि लोग उनके विकास कार्यों के लिए वोट करेंगे, न कि धार्मिक आधार पर। सालिम मोहम्मद को वर्तमान सरकार के काम पर विश्वास है और उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं। वहीं सालिम मोहम्मद मानते हैं कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम कोई कारक नहीं है, लेकिन सच ये है कि काफी हद तक वोट धर्म और राजनीति के आधार पर पड़ते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस सीट के समीकरण क्या है। जैसलमेर में स्थित पोखरण निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 2.22 लाख मतदाता है, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम या राजपूत है। यहाँ करीब 60,000 मुस्लिम, 40,000 राजपूत, 35,000 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, 10,000 जाट, 6,000 विश्नोई, 5,000 माली और 3,000 ब्राह्मण मतदाता है। वहीं अगर पोखरण में पिछले 3 चुनावों में से 2 में काटे की टक्कर रही है। 2008 में सालिम मोहम्मद ने भाजपा के शैतान सिंह को 339 वोटों से हराया था। परिसीमन प्रक्रिया के बाद ये सीट 2008 में अस्तित्व में आई। वहीं 2013 के चुनाव में सिंह ने सालिम मोहम्मद को 34,444 मतों के भारी अंतर से हराया। 2018 में जब भाजपा ने पूरी को मैदान में उतारा तो वो मोहम्मद से महज 872 वोटों से हार गए। अब फिर से मुकाबला दोनों के बीच में है।